हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज काफ़ी दिन के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ, सॉरी उसके लिए, क्योंकि पीछे मैं काफ़ी बिजी चल रहा था। बीच में जैसा कि मैंने बताया था, थोड़ा बिजी था मैं, तो उस वजह से मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में आपको कंटिन्यू व्लॉग मिलेंगे मेरे रिलेटेड टाटा नैनो और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ के भी। तो आज की जो वीडियो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ। अभी मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने भी मुझे कमेंट करके बोला था कि टाटा नैनो का ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, वो उनको शायद प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे वो मैनुअल में सारा दे रखा है, बहुत इजी है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, इजीली आप कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको इस वीडियो में भी दिखा देता हूँ। और दूसरी चीज़ एक मैं बताऊँगा, रिमोट की जो टाटा नैनो का मेरी गाड़ी का रिमोट है वो काम नहीं कर रहा था पिछले एक महीने से, और मुझे लगा कि उसका सेल ख़राब हो चुका है। लेकिन एग्जैक्ट में उसका सेल ख़राब नहीं हुआ था। जब आज मैं उसका न्यू सेल ख़रीद के लाया, ये इस तरह का उसके अंदर सेल आता है एक, तो इसमें ये आप देख सकते हैं ये आता है, तो इसमें सेल ख़राब नहीं हुआ था। जब मैं सेल लेके आया, उसमें डाला, तो मैंने एक बार उसको क्लीन किया पूरा, उसको साफ़ करा अच्छे से, उसके बाद मैं उसे चलाया तो अच्छे से काम कर रहा था। तो उस पर कहीं ना कहीं कार्बन वगैरह आ गया था, जैसे की वगैरह कई बार पानी में भीग जाती है, तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत हो, तो कई बार पहले आप साफ़ कर सकते हो। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 50 रुपये का किसी भी आप दुकान से ख़रीद सकते हैं सेल भी, जो भी वॉच की दुकान है उससे आप ये सेल ले सकते हैं, आराम से मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, मैं दिखाता हूँ कैसे आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं अपनी गाड़ी का। तो चलिए मिलते हैं व्लॉग में। ये है इसका स्टीरियो, जो ये पूरा पैक है अंदर, और इसमें चोरी के चांसेस कम रहते हैं। जो नई वाली गाड़ी आई है, जितनी भी नैनो आई है, नई है, ट्विस्ट जितनी आई है, इनमें सभी में इस तरह का आ रहा था। उससे पहले खुला हुआ होता था, उसमें आप बाहर से लगा सकते थे। तो आपको ये यहाँ पे रेड बटन है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है पहले, तो जब ये डिटेक्टेड लिखा हुआ जाए, उसके बाद अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना है। तो जब आप ये फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करेंगे, यहाँ से ये सर्च करेगा, अभी ये सर्चिंग हो रही है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको पूरा पहले कंप्लीट होने देना, उसके बाद में फिर आगे का प्रोसेस करना। अब ये टाटा नैनो आया, यहाँ पे क्लिक करना है, पासवर्ड 1 2 3 4 एंड डन, उसके बाद आपको ओके कर देना है। ये कनेक्टेड हो गया, अब इससे आप जो भी कॉल करेंगे इस फ़ोन से, किसी को भी मान लिया, तो आपका ब्लूटूथ, तो ये अभी कनेक्ट हो चुका है। और इसके बाद आप जैसे भी कॉल करेंगे, मान लिया ये मैंने कस्टमर केयर पे ही कॉल की, तो यहाँ पे आएगा आउटगोइंग कॉल लिखा हुआ, अभी ये कनेक्ट हो चुका है, अभी इसी से ये पूरा चल रहा है फोन से। ये देखिए पूरा कनेक्ट है, और यहाँ से डिसकनेक्ट हो जाता है। तो ये इजी था, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। हो सकता है आपको कभी प्रॉब्लम आए ऐसी कुछ, तो आप इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड इसमें सबका सेम रहता है, 1 2 3 4। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।